प्रोकास्टिनेशन आपको नहीं चाहिए, आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मैं छीन के लेके आऊँगा। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज यूपीएससी का जो एसए का पेपर था वो कंडक्ट यूपीएससी ने करा दिया है, और हर बार की तरह जैसा कि यूपीएससी का फुल फॉर्म सो कॉल्ड एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना बोलकर मैं उसको बोलूँगा अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब ये लोगों को पता ही नहीं होता कि वो रियल में करने के वाली है। जैसे कि आप लोगों को एसए के बारे में पता होगा कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन कि एसए 2013 से पहले जो एसए होता था वो सिर्फ एक एसए आपको लिखने के लिए आता था और उसमें आपको 2,000-2,500 वर्ड तक नियरली आपको एक एसए लिखने के पड़ता था। लेकिन 2014 ऑनवर्ड से आपका जो एसए हो गया वो एक एसए ना होके उसके दो सेक्शन बना दिए गए और हर एक सेक्शन से आपको एक एसए लिखना होता है और उसकी वर्ड लिमिट भी कम कर दी गई, 1,000 से लेके 1,250 वर्ड तक आप लिख सकते हो। और इट मीन्स कि अगर अभी आप देखेंगे तो इस समय दो सेक्शन आते हैं और हर सेक्शन में 4 वर्ड एसे दिए होते हैं जिसमें से आपको हर सेक्शन में से एक एसे को ऑप्ट करके उसके ऊपर आपको लिखना होता है। यही सेम प्रोसेस आज यूपीएससी ने किया, ये बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले मैं सेक्शन 1 के बारे में बात करूँगा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 1। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करूँगा, बस एक नॉर्मल सा कि कौन सा एसे आया था और कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी गई और हमको लेसन देने की क्या ज़रूरत है और हमें अभी आगे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सेक्शन एसे बात स्टार्ट करूँगा। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सेक्शन ए में 4 एसे पूछे गए हैं और उसमें सबसे पहला एसे जो है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर द इकोनॉमिक एक्सेलेंस। अगेन दिस इज अ मास्टरपीस कि फॉरेस्ट, जैसा कि इसमें क्या लिखा कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर द इकोनॉमिक एक्सेलेंस। इसको मैं हिंदी में भी पढ़े दे रहा हूं कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी ऐसे आप जब भी पढ़िए तो जिस भी लैंग्वेज से आप हो, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़िए और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ स्टिक रहना है हिंदी मीडियम वाले पे, आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश मीडियम वाले को भी पढ़ें। बिकॉज कभी कभी ये होता है कि हम जो परसेप्शन सोच रहे होते हैं ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर आपका इंग्लिश वाला फ्रेज आपको दिखा देता है। तो फाइनली हमको एक काम क्या करना है कि हमें दोनों लैंग्वेजेस में उस एसे को पढ़ना है। जब आपने एसे पढ़ लिया तो आप इस एसे में अगर आप की वर्ड को देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि इसमें 2 या 3 बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है। सबसे पहले आपको पता है कि की वर्ड हमको करना पड़ता है, तो जैसे कि फॉरेस्ट, केस स्टडी और इकोनॉमिक एक्सेलेंस। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें से क्या मतलब निकलेंगे, अभी कुछ करना नहीं है, अभी आपको बस ये सोचना है कि एग्जामिनर इसके जरिए से हमको क्या बताना चाहता है और हमसे क्या पूछना चाहता है। तो एग्जामिनर के ऊपर माइंड को थोड़ा सा एक मिनट के लिए सोचिए कि वो ऐसा क्या कहना चाहता है। डेफिनेटली हर पर्सन का अपना परसेप्शन अलग होगा, जैसे कि मेरा परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन अलग है और दीगर लोगों का परसेप्शन अलग होगा। तो इसमें आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना ये वाला एसे लिखेगा तो जैसे इसकी इसमें फॉरेस्ट की बात की गई तो आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर आपको इसमें इंक्लूड करना, इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्सेलेंस की बात की गई तो इकोनॉमी से रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड फिगर आपको इसमें इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर वर्ड केस स्टडीज ली गई है तो अब इस मुद्दे के ऊपर आपको क्या काम करना है। मेरे हिसाब से फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक कि आपने जीएस में जितनी भी केस स्टडीज देखी, जितनी भी नॉलेज की है, उन नॉलेज को खंगालिए और खंगालने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टडीज को लेकर आइए। लाइक चिपको मोमेंट याद आ रहा है, एपिको मोमेंट किसी को याद आ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मोमेंट किसी को याद आ रहा है। व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ मोमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर योर आंसर। तो आपको क्या काम करना है कि इसके अंतर्गत एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर को भी लिखना चाहिए, इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर को भी लिखना चाहिए और दूसरे तरीकों के जो केस स्टडीज हैं जो कि इन दोनों से रिलेटेड हैं। अब इसके अंतर्गत आपको अगर इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी लिखने हैं, सारी बातें लिख सकते हैं, आप एकदम यहाँ पर फ्री हैं। तो जो पहले का मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना चाहिए, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया। तो पहले के बाद उसके बाद हम थोड़ा स्विच करेंगे अपने दूसरे एसे के बाद। दूसरे एसे में यूपीएससी ने सेक्शन 1 के जो दूसरा एसे है उसमें पूछा है कि पोएट्स आर द
अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हिंदी में इसको बोले दे रहा हूं, कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। इट मींस, अब देखिए अगेन की पॉइंट इसमें भी हम पकड़ेंगे, लेजिस्लेटर पॉलिटी का पॉइंट आ रहा है, कवि हिस्ट्री का पॉइंट आ रहा है, तो जब भी आप ऐसे लिखेगा तो इससे रिलेटेड पॉइंट इसके अंतर्गत जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। दूसरी चीज, कहना क्या चाहता है एग्जामिनर इसमें, अगेन पर्सन टू पर्सन इसका परसेप्शन अलग होगा, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि हमें एग्जामिनर के परसेप्शन को टैली करने की कोशिश करनी है। तो अब एग्जामिनर का परसेप्शन क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कोशिश हम वहां तक कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत अगेन आप अपने इस एसे को सुसज्जित करने के लिए, बहुत गार्निश करने के लिए आप कुछ केस स्टडीज इसमें भी यूज कर सकते हैं। लाइक कि जैसे आपको याद होगा कि इतिहास के बारे में आपको लिखना है, तो आपको पता होगा इतिहास में बहुत सारे सम्राट और राजा लोग रहे हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य में कवियों को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जैसा कि हम भूल नहीं सकते अकबर के बारे में, जिनके बारे में क्या बताया था कि उनके 9 रत्नों में से एक कवि भी थे। वो कवि कौन थे, जिनके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसी तरीके से प्लेंटी ऑफ साउथ इंडिया में, इवन साउथ इंडिया में तो पोएट के बारे में बहुत सारी बातें की, उन्होंने कई राग बाग लिखे हैं और कितने पोएट मशहूर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, और उसका करंट सिनेरियो भी आपको मेंशन करना है। कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे नोटबंदी हुई थी, तो एक राइटर थे जिन्होंने नोटबंदी के ऊपर और कोविड के टाइम पर जो आपकी जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत कटाक्ष किया था। तो कहने का मतलब क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए हिस्ट्री से लेके मॉडर्न एरा तक के कवियों का थोड़ा सा आप ग्लिम्प्स लीजिए, कोशिश करिए कि किस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया है अपनी कम बातों में, ये किस तरीके से इतनी अच्छी अच्छी बातें समाज में पहुंचा देते थे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट एसे की बात करें, जिसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कहीं और भी बात की गई है, कहां पे बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, जहां पर भी की गई होगी बता के बताइएगा जरूर। अब यहां पे क्या करना है, क्या हमें रोमांटिक पर्सन के बारे में ही लिखना है, रोमियो जूलियट के बारे में, या कुछ लाइक कुछ और भी चीजें लिखनी है? आंसर इज नो, डेफिनेटली नॉट। आपको चीजें यहां से सेग्रीगेट करनी पड़ेगी। रोमांटिक का मतलब क्या होता है, लाइक रोमांटिक पर्सन क्या होता है, जैसे सपोज है कोई एक रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में उसको हर बात उसकी अच्छी लगती, उसने बोल दिया कि धूप है, भले ही छांव है लेकिन वो धूप है उनके लिए, तो मतलब क्या होता है कि वो अपने इतना इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं कि भाई हमारे जो महबूब है उनको इतनी बात बुरी ना लगे कि गलत, अगर कोई चीज सही भी हो तो भी उसको गलत बोल देंगे, भयानक तरीके की छांव है, अब वो कह देंगे नहीं धूप है, तो कहेंगे हाँ धूप है। तो इमोशन में नहीं बहना है, क्योंकि आप इमोशन में बहने के बाद लॉजिकल अंडरपिनिंग को अपने माइंड में नहीं ला पाओगे, लॉजिकल चीजों को नहीं सोच पाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि बी अ लॉजिकल, बी अ साइंटिफिक टेम्पर पर्सन, और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि लॉजिकल पर्सन ने ही वर्ल्ड की दुनिया को बदला है। अल्बर्ट आइंस्टीन लॉजिकल पर्सन, न्यूटन लॉजिकल पर्सन, मैक्सवेल लॉजिकल पर्सन, रामानुजन लॉजिकल पर्सन, शंकराचार्य लॉजिकल पर्सन, विवेकानंद लॉजिकल पर्सन, एपीजे अब्दुल कलाम लॉजिकल पर्सन, और आप खुद एक लॉजिकल पर्सन हो, एंड यू आर ऑल्सो अ लॉजिकल पर्सन, और आप इतिहास जरूर लिखोगे बिकॉज आप इस वीडियो को देख रहे हो, और इस वीडियो के देखने के बाद चीज है ना कि क्या हुआ आज, यही तो क्यूरियोसिटी है, यही तो एक लॉजिक है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं लेकिन आप इस लॉजिक के पॉइंट पर आते हुए, तो बी अ लॉजिकल पर्सन, बी अ साइंटिफिक टेम्पर पर्सन। जो ऐसे है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दिया जा रहा है कि अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वो होता ही नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए कि विच वन इज द बेस्ट एसे फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस सेक्शन वन, देन आई विल गो विथ ऑप्शन 4। बिकॉज इसके पीछे की रीजन मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये क्यों हुआ है ये अलग मैटर है, आपको क्या लिखना है ये तो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक बात यहां से बताना चाहता हूं कि अगर आप कहीं के लिए बने हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां पे जाओ, आपको सिंपैथी बहुत मिलेगी, आप वहां पर रह के खुश हो सकते हो,
लेकिन नहीं, आप कहीं और के लिए बने हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, आप ये कुछ करना चाहते हो, तो व्हाई यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स योर ड्रीम? क्यों अपने प्रोकास्टिनेशन में हम फंसे हुए हैं? वी डोंट नीड टू प्रोकास्टिनेट टुवर्ड्स आर गोल, कि हम अपने गोल को कैसे अचीव करें। आप वहां के लिए नहीं हो। प्रोकास्टिनेशन आपको नहीं चाहिए, आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, एम्पैथी नहीं चाहिए। जो मुझे चाहिए वो मैं छीन के लेके आऊंगा। यही तो इस ऐसे में बोला जा रहा है कि आप बने कहीं और के लिए हो, लेकिन तुम यहां पे सेफ रहोगे क्या? सेफ रहने के लिए आए हो? अगर सिकंदर यही बात सोचता तो वो वहीं पर रह जाता। पूरे वर्ल्ड को जीतने की जो उसको चाहती 34 साल की एज में, वो पूरी हो पाती? नॉट एट ऑल। द पॉइंट इज दैट, सोचिएगा, समझिएगा। कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने इस बार इससे लिखा है। और अगर जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपनी सोच में कुछ इस तरह की चीजें लाओ कि यू आर मेड फॉर द IAS, नथिंग एल्स। तो ये सेक्शन वन था जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं कोई डिटेल नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये लिखना चाहिए। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन योर परसेप्शन कि आप किस तरीके से ऐसे को इंटरप्रिटेट करते हो और उसमें क्या लिखते हो। बट मेरा काम ये था कि आप लोगों को इस चीज़ से अवगत करा देना कि UPSC ने 2022 में कौन कौन से ऐसे पूछे। बस चार ऐसे और बचे हैं, सेक्शन टू के बारे में हम बात करते हैं। और सेक्शन टू के बारे में पर्सनली मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये सेक्शन वो सेक्शन है कि जिसने हमको हमारे जीवन में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने एक्सपीरियंस के साथ कैसे काम करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में तो बताया है, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। और क्या क्या बताया है जिसको आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें कि पहला ऐसे